नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी से संस्था के अतिरिक्त महासचिव वी के ब्रिजमोहन और वी के आशा दीदी ने की विशेष मुलाकात। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ब्रह्म कुमारीज द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के लिए स्पेशल टॉक। लंदन के बीके गोपी रही मुख्य वक्ता। मध्य प्रदेश के शाजापुर सेवा केंद्र पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। हर प्रदेश के लोक नृत्य का बीके सदस्यों ने किया मनमोहक प्रदर्शन। भारतीय संस्कृति की विविधता और संपन्नता का दिया संदेश। और इसके अलावा बुलेटिन में होंगी कल करूर प्रोजेक्ट के तहत आयोजित हुए कार्यक्रमों की खबरें। अब खबरें विस्तार से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी से ब्रह्म कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी और राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन ने उनके आवास पर विशेष मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बीके ब्रिजमोहन भाई ने श्री रामनाथ कोविंद जी को स्मृति दिलाई कि संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आपने महिला सशक्तिकरण पर बहुत ही अच्छा भाषण दिया था, जिस पर श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में बिताए गए पल मेरे लिए बड़े ही सुखद रहे। इसके बाद आशा दीदी ने माननीय कोविंद जी को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए रक्षा सूत्र बांधा। मैं समझता हूं कि ब्रह्मा बाबा ने आजीवन इंसानों को तराशने का काम किया। आज यहां आप सभी ब्रह्म कुमारियों के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की सोच से तरासे हुए हजारों महिला रत्न यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको रत्न की उपाधि देता हूँ, महिला रत्न। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर ऑडिटोरियम में भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के लिए इंस्पिरेशनल टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा के लिए विषय रहा द रोल ऑफ पेशेंस इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अधिकारियों ने विषय पर लंदन से आई राजयोग शिक्षिका बीके गोपी से कई सवाल किए, जिसका बीके गोपी ने लॉजिकल और प्रैक्टिकल जवाब दिया। इसके अलावा अन्य बीके बहनों ने सभी को संस्था का परिचय दिया और राजयोग मेडिटेशन द्वारा मन को रिलैक्स करने का अभ्यास कराया। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति एवं तनाव मुक्ति पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का खनन एवं श्रम मंत्री माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अवलोकन किया, जिन्हें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने प्रदर्शनी समझाते हुए कहा कि राज्यों के नियमित अभ्यास से व्यक्ति तनाव और व्यसनों के सेवन की लत से मुक्त हो जाता है। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर महापौर जगत बहादुर सिंह के आगमन पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान महापौर जी ने कहा कि शहर को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी इसका सहयोग लेता रहूंगा। उनकी इस बात पर बीके विमला दीदी ने अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। व्यक्तिगत रूप से भी किसी प्रकार का मध्य प्रदेश के शाजापुर सेवा केंद्र पर कला एवं संस्कृति प्रभाग और समाज सेवा प्रभाग के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने हर प्रदेश के लोक नृत्य का मनमोहक प्रदर्शन किया। Thank you.
सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, बीके चंदा और मालवा कला मंडल के संस्थापक शिवाजी सोनी ने भारतीय संस्कृति पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और सभ्यता के साथ विविधता से भरी हुई है। अब कुछ खबरें कल्तरु प्रोजेक्ट की। इंदौर के ओम शांति भवन पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन द्वारा शुभारंभ कर बीके वीका ने कल्तरु अभियान के तहत 40 लाख पौधे लगाने की जानकारी दी। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुकुम चंद जी सांवला, हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी डी राठी, होलकर साइंस कॉलेज के प्रोफेसर संजय व्यास, इंदौर जोन प्रभारी बीके आरती ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरण का प्रहरी बनने की बात कही। इसके अलावा पौधारोपण के साथ साथ अपने जीवन में नम्रता और शीतलता जैसे दिव्य गुणों को धारण करने का संदेश दिया। उड़ीसा के राउरकेला में कोयल नगर और राजगांगपुर सेवा केंद्र द्वारा कल्तरु और मेरा उड़ीसा व्यसन मुक्त उड़ीसा अभियान के तहत अनेक विद्यालयों और कॉलेजेस में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से नशे रूपी दानव को खत्म करने का संकल्प कराया। मैं बता रहा हूँ, है ना, क्रिएटिव पढ़ा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इंग्लिश कुछ नहीं है, ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें मेरे एक्सेप्ट करो, इसको कहते हैं ऑटो सजेशंस। अब कुछ खबरें एक नजर में। अलीराजपुर के जिला पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के लिए वर्कशॉप। धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस कर्मियों को दिए टिप्स। जितना हम हल्के, हल्के का मतलब बिल्कुल लाइट में कुछ भी नहीं, और जहां आईनेस, जहां मैं बताता है मेरी जिम्मेवारी मुझे ही करना है, मुझे ही हैंडल करना है, मुझे सब कुछ करना है, तो फिर समस्याएं भारी हो जाती। ऐसे जनपद शिक्षा केंद्र सोडवा में भी शिक्षकों के लिए आयोजित हुई कार्यशाला। बीके नारायण ने शिक्षकों को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा देने से पूर्व कुछ देर मेडिटेशन का बच्चों को कराए अभ्यास। इसके अलावा छात्रों को दंड देने के बजाय प्रेम से समझा कर शिक्षा देने का दिया सुझाव। अलीराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने शिक्षकों को राज्य मेडिटेशन की जानकारी देते हुए कराया अभ्यास। ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय और शासकीय कन्या विद्यालय में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। बीके नारायण, बीके बहनों ने सफलता पाने और पढ़ाई के प्रेशर को कम करने के लिए दिए महत्वपूर्ण सुझाव। हम पढ़े लिखों से भी बहुत आगे जाते हैं, और टैलेंट कहें, विवेक कहें, समझ कहें, ये आता है अपनी अंदर की और जाने से, अपनी सत्यता की ओर जाने से, अपने स्वयं को पहचानने से, व्हाट एम आई बैकबोन। स्कूल स्टाफ ने कार्यशाला को बच्चों के लिए बताया उपयोगी। प्रकृति के संरक्षण को लेकर यूपी के आगरा में वनिकी प्रभाग की कई गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक। ब्रह्मा कुमारी आगरा आर्ट गैलरी म्यूजियम की संचालिका बीके मधु समेत अन्य बीके बहने हुई शामिल। हरी शंकरी पौधारोपण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए हुई चर्चा। पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधों को एक साथ लगाने की है मुहिम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग द्वारा ब्रह्मा कुमारी आर्ट गैलरी म्यूजियम की बीके बहनों का सम्मान। महापौर नवीन कुमार जैन और एसडीएम ने प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। बीके बहनों ने योग को एक दिन नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या में शामिल करने का दिया संदेश। सात अरब सत्कर्मों की महायोजना अभियान के निदेशक बीके राम प्रकाश पहुंचे मध्य प्रदेश के बैतूल। भागविता का भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विधायक निलय डागा, सीनियर टैक्स कंसल्टेंट जगमोहन खंडेलवाल, लॉयंस क्लब बैतूल के अध्यक्ष प्रताप देशमुख, लॉयंस क्लब बैतूल के पूर्व गवर्नर परमजीत सिंह बग्गा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी मुख्य रूप से रहे उपस्थित। अपने कर्तव्य से थोड़ा ज्यादा करके दुआएं कमाने का बीके राम प्रकाश जी ने दिया संदेश।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।